अर्निंग ज्यादा करने के लिए टेम्पलेट अच्छे की नहीं जरूरत होती, बल्कि ज्यादा एड्स लगे होने चाहिए। रुको जरा, सबर करो। अभी आप मेरे ब्लॉगर पर यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ब्लॉगर जब आपको शो होगा तो यहाँ पे देखेंगे ये ऊपर एड शो हो रहा है। इसको अगर मैं क्लोज करूँ तो ये देखेंगे एक और एड चला है, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे नीचे भी चल रहा है, ये देखेंगे तीन एड इधर चले थे और यहाँ पे एक ऊपर आपको ये एड शो हो रहा है। और यहाँ पे अगर एंड पे जाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक दो तीन यहाँ पे चल रहे हैं। आप टोटल कर लेना कितने हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पोस्ट में कोई भी जाऊँ, यहाँ पे देखेंगे एक और एड चला है। यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ क्लिक किया था, ठीक है, एक ये चला है। और यहाँ पे अभी मैं क्लिक करता हूँ पोस्ट के अंदर भी मैंने एक लगाया, तो यहाँ पे अभी ओपन हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएं तो यहाँ पे ये भी एड चल रहा है, ठीक है। काफी ज्यादा एड हो चुके हैं, तो इसकी वजह से मैं इतनी ज्यादा अर्निंग कर लेता हूँ, ठीक है। ये टेम्पलेट काफी अच्छा है। आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये टेम्पलेट आपने डाउनलोड किस तरह करना है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस ब्लॉगर पर आने के लिए आपने क्या करना है कि मेरे चैनल पर आके यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस ब्लॉगर पर आ जाएंगे। इसमें आने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके सर्च करना है ब्लॉगर थीम। यहाँ पे आप एक दफा देख लें तो यहाँ पे सर्च पे आपने क्लिक करना है। अगर आपके सामने एड शो हो तो आपने उसको क्लोज कर देना है। ये आपके सामने एक पोस्ट आ चुकी है, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की ये थीम होने वाली है। ये आर्टिकल आप अगर अपनी पोस्ट का आपको आर्टिकल लिखना नहीं आता तो आपने मुझे कमेंट में बता देना है, तो मैं आपको आर्टिकल एक लिख दूंगा। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की ये थीम वगैरह होने वाली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पे देखेंगे एड वगैरह भी आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे थीम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपसे अगर पासवर्ड मांगे तो आपने क्या करना है कि यहाँ से डाउनलोड करके तो आपने पासवर्ड दे देना है। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता तो आपने क्या करना है कि थोड़ा सा ऊपर जाना है, तो यहाँ पे ये वाली वीडियो देख लेनी है। इस वीडियो में मैंने ए टू जेड सब कुछ बताया कि आपने डाउनलोड किस तरह करना है। अगर आप एडसेरा का सीपीएम बढ़ाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये वाली पोस्ट मैंने अपलोड की हुई है, तो इसको आप अगर देखेंगे तो इसमें सारे टूल्स वगैरह मैंने दिए हुए हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है कि आप मेरा यूट्यूब पर जाकर यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना है। इसमें जाने के बाद आपने ये वाला कोर्स मेरा देख लेना है, इसमें मैंने ए टू जेड सब कुछ बताया आपने सीपीएम किस तरह बढ़ाना है। और अगर आप मेरे ब्लॉगर पर जाएं तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जिस तरह ये मेरे एड चल रहे हैं, अगर आपको लगाने नहीं आते यहाँ पे ऊपर भी और यहाँ पे फुटर पर, यहाँ पे नीचे जाके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तीन एड चल रहे हैं। अगर आपको ये मुश्किल हो रही है तो मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। और ब्लॉगर पर जाके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेटिंग वगैरह आपने किस तरह करनी है। कस्टमाइजेशन आपको अगर करनी नहीं आती तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।